नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय पर्व पर जी न्यूज की विशेष बहर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब डिबेट में हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान को लेकर हो रही राजनीति पर। AIMIM चीफ ने कल तेलंगाना में फिलिस्तीन का जिक्र किया, एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से विवाद शुरू हुआ। वो इसने कहा कि तुम अपने आप को मत बांटो, अगर एकजुट नहीं रहोगे तो विरोधियों से लड़ोगे कैसे। तो आज वहीं विजयदशमी के मौके पर RSS प्रमुख ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश में इतना बड़ा उत्पात हुआ, पहली बार हिंदू संगठित होकर एक साथ आया और इसलिए वहां बचा है। इसके साथ ही कहा कि असंगठित रहना पाप है। तो वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ भी आज विजयदशमी के पर्व पर सनातन की धर्म ध्वजा लहराते हुए नजर आए। आज गोरखपुर में शस्त्र पूजा की, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा निकाली। सवाल ये कि इन बयानों के जरिए क्या कोई सियासी संदेश देने की कोशिश है? सवाल ये कि क्या इन बयानों के जरिए तुष्टिकरण की कोशिश है? अब बात ये कि बहस क्यों है? इस बारे में बताऊं उसके पहले बता दूं आपको कि मेरे सहयोगी राम मोहन शर्मा भी हमारे साथ हैं और राम के साथ न सिर्फ पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे बल्कि हमारे दर्शक भी मौजूद रहेंगे जो कि स्टूडियो में हैं। राम उनसे भी सवाल करेंगे और उनसे भी जवाब लेंगे। इसी के साथ साथ जानना जरूरी यह भी कि बहस आज ZEE News पर है, उसके पीछे की वजह कि मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू संगठित हुए तभी बांग्लादेश में सुरक्षित हुए, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा कि संगठित रहोगे तभी सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी ने कहा कि आप मत बटो, एकजुट नहीं तो विरोधी से लड़ोगे कैसे। तो ठोकेंगे सब इन सभी मुद्दों पर ताल। इसके पहले छोटी सी रिपोर्ट आपके साथ। अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है, गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है। दिल ताकतें, बातिल ताकतों की हवाएं, उनका तूफान भी आएगा तो तुम्हारा इतिहास नहीं हिलेगा। तो पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इतिहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कट्टरपंथ को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वफ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ? पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। डिस यूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही है। हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग-अलग बात। समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहां थे? यही लोग जो विचार दे रहे वो कहां थे? मेरी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हो रहा है या होता आया है, हाल ही के दिनों में बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से कट्टरपंथियों की भीड़ ने बांग्लादेश के हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, भगवा पहनने पर उनको उनका घर तक जला दिया गया, उससे सीधा संदेश भारत की राजनीति में दिया जा रहा है। एक पार्टी है जो हिंदुओं से आह्वान करती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो हिंदुओं कटोगे। तो एक पार्टी है, कुछ नेता है जो आह्वान करते हैं मुसलमानों से कि तुम अगर एक नहीं रह पाओगे, संगठित नहीं रह पाओगे तो मुकाबला कैसे करोगे। नवर किशोर दाजी, शुरुआत मेरी आपसे है कि बांग्लादेश की चीजें हिंदुस्तान के अंदर क्यों गिनाई जा रही, यहां वो खतरा नजर आता किसी कट्टरपंथ से?
देखिए आदरणीय सरसंघ चालक जी ने पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए कहा है, हिंदू जहाँ भी रहता है या कोई समूह जहाँ रहता है, जब समूह अपने मुख्य धारा से हट जाता है, कट जाता है, तो स्वाभाविक उसकी अकारण शत्रुता बढ़ जाती है, लोग अपने आप शत्रु हो जाते हैं। आपका घर का दरवाजा खुला होगा तो चोर नहीं होगा, वो भी घुस जाएगा आगे। दरवाजा बंद रखना, समाज को एकजुट करना, ये हमारी आवश्यकता है। बांग्लादेश में वो जो हिंदू थे, जो उनके पड़ोसी थे, मित्र थे, भाई थे, जो भाई जान कहते थे, वही जान के हत्यारे हो गए, वही उनका गला काटने लगे। वहाँ हिंदू बहनों को कहा गया तुम बुर्का पहनोगी, तुम भगवान ही पहनोगे, मंदिरों में आग लगाएगी। आखिर क्यों, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? क्या बांग्लादेश को बनाने में हिंदुओं की भूमिका नहीं थी? बांग्लादेश के विकास में हिंदुओं की भूमिका नहीं थी? हिंदू थे, यही अपराध था उनका। अरे हिंदू होना अपराध है तो हम कहते हैं हर हिंदू को एकजुट रहना ही चाहिए, हर समाज को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहोगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हें आँख उठा के देख सके, तुम्हारी बहन बेटी को देख सके, इसलिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मुझे सर ये बताइए कि किससे लड़ेंगे? जो मानो से लड़ेंगे, जो राष्ट्रद्रोही है, धर्मद्रोही है, किससे लड़ेंगे? जो देश का द्रोही है, धर्मद्रोही है, राष्ट्र हमारी बहन बेटियों को कुदसी दे, उससे बताइए ना सर, जो हमारे घर आग लगाएगा उससे लड़ेंगे? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का दुश्मन कौन था? हमारे सामने कट्टरपंथी भीड़ थी। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हमें पता है कि कट्टरपंथी लोग आखिर उनसे लड़ना पड़ेगा। बात ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हिंदुओं का दुश्मन कौन है? पता है कट्टरपंथी हिंदुस्तान में कौन दुश्मन रहेंगे? हिंदुस्तान में कौन दुश्मन रहेंगे? हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? सुना गया हमारे बच्चों को हिंदुस्तान में कौन दुश्मन है? नहीं, जो भी है, जो भी मतलब कौन सा बताइए। केराना में किन्होंने हिंदुओं को घर से बाहर जाने के लिए व्यवस्था कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको नहीं पता क्या? जो हिंदुओं को लिखना पड़ा है घर बिकाऊ है, हजारों साल से वहां रह रहे थे, किसने बताया? कट्टरवाद। इस्लाम को मानने वाले लोग चाहते ही नहीं है कि एक किताब को मानने वाले दूसरे लोग रहे, उसके अलावा किसी को रहने नहीं देना चाहते। अल्लाह अकबर के नाम के लिए गला किसने काटे? हिंदू ने तो नहीं काटा। तो इसलिए हिंदू को एक जना रहना बहुत जरूरी है। जातवाद क्षेत्रवाद छोड़कर के हिंदू एकजुट रहना पड़ेगा, तभी सुरक्षित रहेगा। अयोध्या साहब बताइए जरा, सीधा मुझे बताइए सर, एलिगेशन तो सीधा, एलिगेशन सीधा कट्टरपंथियों की भीड़ पर लग रहे हैं और नाम लिया जा रहा है कि भाई इस्लाम पाकिस्तान इस्लाम को मानने वाले ऐसा कर रहे हैं, ये तोहमत क्यों किसी धर्म पर? नहीं नहीं, स्वामी जी जो कह रहा है 950 साल हमने हुकूमत की हिंदुस्तान में, हमने क्या कोई हमने धरी पर मुगल से ये जो कहते हैं इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इंडिया का चौला पहले बताइए ना, हमने एक सेकेंड मान जी मुझे एक मिनट दीजिए सर, मान नवकिशोर जी एक मिनट दीजिए मौलाना साहब, हमने मतलब मुगलों को अपना मानते हैं? अरे मुगल जो हमारा क्या के 950 साल हमने हुकूमत की, हमने मतलब इसको इशू को सुनते जिन लोगों ने शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर ये इशू लाया था। वणा साहब सुनिए जरा, पंडित जी ने लोकसभा में ये मौलाना साहब सुनिए जरा सर, लोकसभा में सुनिए जरा, आदर्शवादी बातें मत कीजिए। मुझे बताइए कि जब आप हमारे जवाब टन के हिसाब से हिंदुओं के जनेऊ को काटा, आप हमारे जिन्होंने धर्म के नाम पर यहाँ पर हिंदुओं का दमन किया, उन मुगलों का आप अपना मानते हैं? उन मुगलों का आप अपना मानते हैं? हमने मतलब क्या है? हमने मतलब क्या है मौलाना साहब? हमने मतलब क्या है? अरे हम हमने शासन क्या क्या मतलब है? या तो आप सीधा संदेश दीजिए कि भाई मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। आप मुझे बताइए सर, या तो आप सीधा बताइए कि मुगल मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। हम मुसलमान हैं, बार बार क्यों मुगलों से कब से हैं? मुगलों जो थे वो जो यहाँ का हुकूमत भैया कब से हो? यहाँ का वक्त बता दो कब से हो? अरे आप गलत बताते हो ना सर, पूछा हम तो निवेदन, आप कौन थे? आप आर्य ईरान से आए? कौन थे? हम तो भैया जब से सृष्टि के बताइए, हमने आज तक आलोचना नहीं की, लाखों पर जीत गए सनातन धर्म से, सृष्टि का सृजन हुआ तब से महाराज बताइए सनातन कब से हो गए? आज से नहीं है, ये तो आप भैया डर के मारे कोटि कुटवा के टोपी पहन लिया। एक सेकंड एक सेकंड मान जी मान जी मान जी पर्सनल कमेंट नहीं सर, ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट नहीं, मैं जी ऐसे कमेंट इस मंच पर नहीं, मैं नवल किशोर दास जी ऐसे कमेंट सर इस मंच पर नहीं। एक सेकंड आप थोड़ा सा, एक सेकंड मैं जी, मैं आप दोनों को रुकूंगा, देखिए दोनों को रुकूंगा, मैं मानता हूं कि आप लोगों के आपस में अगर विचार नहीं मिलते सर, संविधान के दायरे में हम लोगों को रहना होगा, पर्सनल कटाक्ष नहीं। मुझे सर मौलवी साहब, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि भाई एक धर्म को आरोपी क्यों ठहरा दिया जाता है? यहाँ पर हिंदुओं के त्योहारों पर हमला होता है तो एक ही धर्म के लोग उसमें क्यों होते हैं, इसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। एक सेकंड सर, आपने कहा कि हमने 950 साल शासन किया, मैं तो खाली सवाल ये पूछता हूँ कि जिन मुगलों ने आकर के भारत की सभ्यता को बर्बाद किया, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर पुस्तकालय जलाए, जिन मुगलों ने आकर के भारत के अंदर हमारी महिलाओं के साथ रेप किया,
जिन मुगलों ने आकर यहाँ पर हमारी धार्मिक सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की, आप हमने कैसे कह लेते हैं? एक उदाहरण दे दीजिए। मुगलों ने क्या काम करता हूँ? उदाहरण दे दीजिए। सुनिए, मुगलों ने औरंगजेब सब ये है, या तो इतिहास के, या तो इतिहास को लेकर के अपनी आंखें आप बंद करके बैठे हैं। मौलवी साहब, या तो आप इतिहास को लेकर के आंखें बंद करके, मैं काम करता हूँ सर। कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कहावत है ना सर कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे साथ रामगोपाल जी, पूछ लीजिए रामगोपाल जी, किस पार्टी के तो नहीं है सर, पत्रकार है ना। इन पर विश्वास है कि किसी और के पास जाऊं? इन पर विश्वास है किसी और के पास जाऊं सर? विश्वास है मुझे बताइए सर, मुगलों के अंदर मुगलों ने कौन से नेक काम फरमाए आकर के? हिंदुओं पर अत्याचार हुए कि सर नहीं हुए? मैं पॉइंट वाइज पूछता जाऊंगा सर, आप हाँ ना कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मुझे बताइए सर, हिंदुओं ने हिंदुओं के ऊपर मुगलों ने अत्याचार किया? ऐसी बात है, वो बाहर से आए, जिस तरह से आए, जो जितना ताकतवर रहा है उसने कमजोर पर शासन किया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं किया गया। क्या क्या किलो के भाव से, अमन के भाव से हिंदुओं की गर्दन काट करके जने इकट्ठे हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही बात है। मौलवी साहब कहते हैं मुझे एक तारीख बताइए क्या हुआ। मैं नहीं चाहते हैं, आंखें बंद करके बैठे। एक मिनट, मैं इतिहास कोट कर रहा हूँ सर। देखिए आप चले, आप पुराने इतिहास पर हम न भी जाएं, अभी आपके सामने आपने दो लोगों को सुनाया, एक तरफ मोहन भागवत थे, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी थे सर। हाँ, ओवैसी साहब थे जी। आप सारे लोग बैठे हैं, सुना होगा, एक की भाषा में उतनी कर्कशता नहीं थी। बार बार मोहन भागवत ये कह रहे थे, और इसके पहले भी वो कह चुके हैं, कि हम पर अत्याचार करने, अत्याचार से बचने के लिए आपको एक होना है। दूसरी तरफ आप देखिए, ओवैसी साहब की लैंग्वेज में जो एक आक्रामकता थी, बिल्कुल आप साफ देख लीजिए। मेरा कहना यह है कि ओवैसी साहब भी ये जानते हैं कि ये राष्ट्र एक ही है, कहीं नहीं जा सकते, हम लोग मिलकर रहना है। मुझे सही कीजिएगा, डिमार्केशन साफ है। बिल्कुल भागवत ने कहा चीजें कि खुद को कैसे बचाओगे, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उनको कैसे मारोगे। नहीं मतलब ये शब्द तो नहीं, लेकिन आक्रामकता का मतलब एक मजबूत दूसरा नहीं। वहाँ पे ये था, जो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान भारत का है, तो उसे तकलीफ होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। और कई मुसलमान भाइयों ने ये कहा है कि गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। तो अभी आपके पड़ोस में अगर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, तो सर एक उस पर कोई दुखी हो रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए। दूसरी वही कह रहा हूँ सर, बहुत सहूलियत के साथ था। ऑल आईज ऑन गाजा की आपने ट्रेंड देखे होंगे। हाँ हाँ, ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू का ट्रेंड देखा कहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम लोग मानते हैं कि एक ही संस्कृति के लोग हैं, सर्वधर्म संभव है, इंसान सबसे ऊपर है, क्यों कहा जाता? नहीं, उसी पर मेरा एक और था कि जब जिस समय वो फलस्तीन की बात संसद में कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखिए ये चीजें समाज में अपने आप दरार पैदा करती हैं। आप कई बार आपका कहा से ज्यादा आपका चुप रहना खलता है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि ये समाज में एक सेकंड, तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि देखिए सबकी कोशिश होनी चाहिए, और मैं मानता हूँ कि कोई पूरा का पूरा समाज कभी गलत नहीं होता है, चाहे वो जिस भी धर्म में हो। सर, कुछ लोग होते हैं जो व्यापार करते हैं, रामकृपाल जी मेरा कहना उन्हीं के साथ बाकी लोग कि गलत को गलत कहने में अगर आपकी जबान कांपती हो, नहीं सर, आपका जमीर गवारा ना करता हो गलत को गलत कहने में, तो आप भी उतने ही अपराधी हैं। बिल्कुल सही है। अगर इस मंच पर बैठ करके आज सर आप राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं, भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या मुगलों के अत्याचार के बारे में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? आप मुगलों में चले गए, हम तो कहते हैं आज की बात मैं कर रहा उस बारे में बात करूंगा सर। साहब के सामने बैठ के कह रहे हैं कि मुगल बड़े पाक साहब, मुगलों की बात करें, मुगलों से पहले की बात, आपके सामने कह रहा हूं, सुनिए, हून कुषाण मुगल अंग्रेज जो भी बाहरी यहाँ आता ताई आए, वो इस देश को लूटने का काम किया, उनका काम सियासत करना था। मुगलों ने सर क्या किया? मैं चाहता हूँ कि आप अली साहब को एक बार अलग से डिबेट करा लीजिएगा उनसे। लेकिन जो मुद्दा आपका है, आप 10 सेकंड, जो मुद्दा है आपका आज, मुद्दा क्या है? बटोगे तो कटोगे, अंग्रेजों के टाइम आप बटे तो कटे, ये तो सच्चाई है। इस देश में जब भी आप समाज के अंदर, परिवार के अंदर या देश के अंदर जब बटते हैं तो कटते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, यदि आपस में आप बटेंगे तो कटेंगे।
कोई बांटने का काम चाहे वो शमशान या शमशान और कब्रिस्तान के बारे में करता हो, अली बजरंग अली के बारे में करता हो, 80 और 20 के बारे में करता हो, पिछड़ों के बारे में करता हो, की बात है, इंक्लूड कीजिए कि चाहे कोई अगलों पिछड़ों के बारे में बात करता हो, कोई जाति क्यों दर्द आने लगा। मैं कह रहा हूं पैमाना एक होना चाहिए, मैं कह रहा पैमाना एक होना चाहिए, बांटने की कोशिश तो हर जगह एक होनी चाहिए। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे, भगवान कौन है कहने वाला, इस देश का राष्ट्रपिता है और उस राष्ट्रपिता ने कहा इस देश में सबको एक साथ रहना है, हमारी पहचान यही है भारत की। 10 सेकंड, भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान है सबको साथ लेकर चलने वाला। आप पाकिस्तान नहीं है, आप बांग्लादेश नहीं है, आप गल्फ कंट्री नहीं है, भारत भारत इसलिए है कि भारत में सर्वधर्म संभव है, वसुधैव कुटुंबकम है, कट्टरता नहीं है। जो कट्टरता फैला रहा है वो इस देश का दुश्मन है, ठीक है, कोई भी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उपाध्याय आपकी बात सबसे ऊपर, आपकी बात सबसे ऊपर, गांधी जी को कोट किया इसलिए और भी ऊपर, मैं भी आपकी बात मान लेता हूं, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मति दे, इन दोनों से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, एक मिनट बोला ना साहब, अभी बता ले, हाँ एक रहेगा, सबको सबको सन्मति दे, नहीं पहले बताइए ईश्वर अल्लाह एक है, मानने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है? अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आप ईश्वर की जय नहीं बोलते, अल्लाह में अकबर, क्योंकि आप अल्लाह की जय बोलते हैं, भाव से कहा था, अल्लाह में अकबर भाव दूसरा है, इसीलिए आपत्ति है बस, जो भारत के तिरंगा को नहीं मानता है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता है, मैं तो ईश्वर राम नहीं है, नहीं आज नहीं का, नहीं 1942 से पहले तो राम राम ईश्वर नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मौलाना साहब स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना, राम कृष्ण की जय बोलने में आपत्ति है? मैं इनसे बात कर रहा हूँ अभी, मुझे बताइए राम कृष्ण की जय बोलने में कोई आपत्ति है? भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति है? भारत वंदे मातरम बोलने में कोई आपत्ति? मैं पूछ रहा हूँ साधारण सवाल है ये बापू बोलते रहे, अरे सुनिए ये हम आपसे कह रहे हैं, ये बापू बोलते रहे, इस देश के जितने मुस्लिम क्रांतिकारी रहे उन्होंने वंदे मातरम बोला, आप नमाज पढ़ेंगे? मैं पढ़ दूंगा, मैं कहूंगा नमाज, मैं पढ़ दूंगा, पढ़िए पढ़िए, आप मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़िए, आप अभी 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 बोलिए, मैं पढ़ दूंगा, आप मुझे कलमा पढ़वाइए, बोलिए, अरे आप मुझे कलमा पढ़वाइए, क्या बोलना है बोलिए बोलिए, मैं शुरू करूँ, जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ेंगे? मैं बताइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह, ऐसे ही कुछ होता है? मैं ढंग से नहीं जानता, इसलिए आप पढ़ेंगे बोलिए, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप पढ़िए, मैं ऐसा तो मत कीजिए, ऐसा तो मत कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप नमाज पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, मैं जय हिंद कह रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप हमारी आरती गाएंगे, आप आरती गाएंगे, अरे हम कथा तो रहे आरती गाएंगे, राम सबको सम्मति दे, ये आरती है, हिंदू विचार आप रामचंद्र जी की आरती गाएंगे, ये गांधी जी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, अब सुनिए ना, यही यही क्या कर रहे हैं आप, कहते हैं कि चारों तरफ सौहार्द है, एक सेकंड दोनों करने को तैयार हूं, एक मिनट देखिए, हमारा हमारा जो सिंपल सा फंडा था इस बात सजाव करने का वो यही था सर, पता लग गया, हम लोग किताबी बातें बहुत कर लेते हैं कि भाई सब लोग एक है, गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग एक है, जब चीजें माणा साहब पर्सनल आती है तो चीजें जुड़ा नजर आती है, मैं जो ऐसा आपके पास में हूँ, अजय आलोक बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं समय लौट रहा हूँ, अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय आलोक सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर पहला ये आता है कि देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने का आप काम कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी की तरफ से जो बयान दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो ये दिया गया कि हिंदुओं को एक रहना है और किसी धर्म विशेष के खिलाफ रहना है। आनंद जी अभी गांधी जी को कोट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि गांधी जी ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मति क्यों नहीं आई थी? बना देते जिन्ना को प्रधानमंत्री, देश का बंटवारा नहीं होता, नेहरू जी को तो सम्मति आई नहीं, देश का बंटवारा कर दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर, उसके बाद गांधी जी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तब भी गांधी जी की सम्मति नहीं ली। मौलाना साहब अभी कह रहे थे, अभी मैंने सुना उनको, कि एक एग्जाम्पल बताइए कि मुगलों ने क्या ऐसा गलत किया, अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप खुद हैं, आपके पूर्वज अवंशज नहीं तो जरूर हिंदू होते, यही तो आपकी ज़हनियत है, कन्वर्शन करवाया, यही आपके ज़हनियत है, यही बांटना चाहते हैं आप, यही झगड़ा बोलना चाहते हो, प्रमोटेड मुस्लिम है, ये तो सबसे बड़ी बात यही है आपके अंदर, आप झगड़ा बोलना चाहते हो, समाज को बांटना चाहते हो, मैं हमारी एक मिनट मैं बोल लूं, मैं क्योंकि स्टैंडिंग डिबेट में नहीं हूं, सुन लीजिए,
आजादी के समय मुस्लिम आबादी हमारी 10% थी, आज 20% कैसे हो गई है? हिंदू आबादी घट कैसे गई? यही तो दिक्कत है। अरे 140 करोड़ कैसे हो गए? 140 करोड़ कैसे हो गए? 32 करोड़ के आप इतिहासकार हैं, बताइए ना। एक सेकंड मौलाना साहब एक एक करके बातें करते हैं। अजय आलोक स्टूडियो में नहीं है तो उनकी बातें सुन लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। मैं आपके पास में आऊंगा, लेकिन उनका जो मुख्य मुकाबला होगा वो यहाँ होगा। दोनों अजय आमने सामने रहे जी। अजय आलोक जी, अजय उपाध्याय आपके जो सऊदी ओवैसी ने कहा, आपके जो साथी राजनीति के वो भी यहाँ पर है। जी जी, मैं कह रहा हूँ आनंद जी, अगर सऊदी ओवैसी ने कहा जय फलस्तीन संसद में, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, अपने कौम के लिए आवाज उठाई, क्या गलत किया? अरे कमजोरी तो हम हिंदुओं में है, आज तक हम हिंदू में से कोई बांग्लादेश के लिए आवाज क्यों नहीं उठा सका? हम क्यों मुसलमानों से एक्सपेक्ट करें कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे? आज वही तो मोहन भागवत जी समझा रहे थे, अजय उपाध्याय क्यों नहीं उठाते हैं आवाज हिंदुओं के लिए? दर्द नहीं होता हमको? बिहार के रहने वाले बगल बांग्लादेश है, क्या पार्टी की लाइन इतनी जरूरी हो जाती है कि अपने अपने धर्म को भूल जाइए? शूरता से ही धर्म का रक्षा होती है। अगर योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ते हैं, आज विजयादशमी है, अजय उपाध्याय जी शस्त्र पूजन करते हैं हिंदू, कोई गलत नहीं कहा है मोहन भागवत जी ने, चंद राजनीतिक स्वार्थ के लिए, चंद राजनीतिक सिद्धि के लिए गलत बातें मत फैलाइए। अजय आलोक जी, आपकी बातें भी आप अजय उपाध्याय देना चाह रहे हैं, अब मैं उनका जवाब लेता हूं। अजय जी, अजय भाई ठीक बात है, आप भी कहे जहां से हैं वहीं से मैं भी हूं। सच्चाई आप भी जानते हैं कि इस देश में सबसे बड़ा धर्म है कोई तो राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म के बाद व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत आस्था का धर्म आता है। कोई हिंदू धर्म मानता है, कोई मुस्लिम धर्म मानता है, कोई सिख और ईसाई है, पर सब है देश के भाई भाई और देश के नागरिक है। नागरिक होने के नाते देश का जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, न गीता है, न बाइबल है, न कुरान है, इस देश का संविधान है, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप जितना भी बांटने की राजनीति कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विचार गांधी का विचार है, नेहरू का विचार है, और वो विचार है भारत का विचार। बांग्लादेश के बारे में देश की सरकार जो है, सरकार के साथ थे हम, सरकार ने क्या किया जरा इसका जवाब दे दीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्या करना था? अरे उठा करके तो किसी और को बुला लिया, यहाँ सबको पता है कट्टरवादिता वहां फैली, उसमें किसका रोल था ये भी पूरा देश जानता है। आज भी कहां है बांग्लादेश की राष्ट्रपति, जरा ये पूछिएगा। यदि बात आप करना है और मुंह खुलवाना है तो मुंह मत खुलवाइए। देश के सरकार के साथ इसलिए खड़े थे कि देश जो है हमारे लिए बड़ा है, लेकिन आपको सियासत बड़ी लगती है, ये दुखद है और दर्दनाक है। विजयदशमी के दिन माँ दुर्गे की भी आराधना करते हैं, भगवान श्री राम की भी आराधना करते हैं, सत की भी पूजा करते हैं, अपने हम नाम का जवाब के लिए और राक्षसों के लिए, हम नाम के उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए शस्त्र की नहीं शास्त्र की जरूरत है, धर्मशास्त्र की। बताइए अजय आलोक जी, वो कह रहे कि भाई शस्त्र की जरूरत नहीं है, भले ही आज विजयदशमी हो, नहीं नहीं जरूरत है तो शास्त्र की है, और आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मुकाबला करना है तो इकट्ठा रहना होगा। देखिए ना, इनके पास शस्त्र है ना शास्त्र है, इनके पास सिर्फ दुष्टार्थ है, ये दुष्ट लोग हैं। राहुल गांधी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिहादी के लीडर से अमेरिका में मिलते हैं। आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी भाषा इसी तरह है कटो और बटो। ये देखिए, बीच में मुझे बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। राहुल गांधी अमेरिका में बांग्ला बीएनपी के लीडर से, जो की कट्टरपंथी है, जिसपे हिंदुओं का कत्लेआम का आरोप है, उससे अमेरिका में मिलते हैं। क्या करने, चाय पीने मिलने गए थे उससे, क्यों मिले उससे? फोटो आई सामने, जवाब देते हुए नहीं बना के लीडर ओपोजिशन भारत से क्यों मिल रहा है? आप बोलते हैं कि ना हिंदू ना गीता है ना कुरान है ना बाइबल है, कम बोलिए। गीता वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, कुरान वाले नोट खाएंगे, सत्तन से जुदा का नारा दे देंगे आपके लिए भी। आप कुरान को चैलेंज कर रहे हैं कि कुरान सबसे बड़े से बड़ा ग्रंथ संविधान हो गया, क्या बोल रहे हैं आप? ये बातें आप गीता को नीचा दिखाने के लिए बोल सकते हैं, हिंदुओं में प्रतिकार नहीं होगा। कुरान के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए अजय उपाध्याय। अजय आलोक जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले अजय उपाध्याय का छोटा सा रिएक्शन भी चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। अजय भाई आपको मुबारक हो, जो आप चाहते हैं और आपकी जो मानसिक स्थिति भाजपा की है उसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो गोडसे ने कहा था वही आप रिप्रेजेंट करेंगे। देश के संविधान की शपथ लेने वाला देश का प्रधानमंत्री यदि बांटने की बात करता है तो ये भी आपको मुबारक हो। पर कांग्रेस के लोग गांधी के विचार को लेकर चलते हैं, विवेकानंद के विचार को लेकर चलते हैं। हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, और जाति से ऊपर हमारा राष्ट्र है, और हम ये बांटने की राजनीति नहीं, दर्शक हमारे साथ जोड़ने की राजनीति करते हैं। पहले जानना चाहूंगा कि नहीं, सबको साथ लेकर चलने की राजनीति, लोग क्या सोच रहे हैं? सर्वधर्म राम भाव के साथ है वसुदेव। काफी देर से मैम कुछ कहना चाह रही, बताइए। हाँ बोल सकते, खड़े होके बोलिए बोलिए जी। देखिए जो ओबीसी है,
उनको बहुत जहरीला बोलते हैं, संविधान भी दिखाते हैं, लेकिन यूपी का मुस्लिम और बिहार का मुस्लिम उनको वोट नहीं देता है। पढ़ा लिखा मुस्लिम, और सुनिए आगे भी सुन लीजिए, पढ़ा लिखा मुस्लिम अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। 56 बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, इंजीनियरिंग करा, डॉक्टरी करा रहा, लेकिन वो कौन लोग हैं मौलाना? अभी देखा छोटे छोटे बच्चे जलूस के ऊपर खींच खींच के पत्थर मार रहे थे। कितनी ताकत होती है बच्चों के अंदर, क्या क्यों उनको पत्थर मरवा रहे हो? कल उनका क्या भविष्य होगा कभी सोचा है? क्यों नहीं कश्मीर के अंदर, सुनिए कश्मीर के अंदर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कश्मीर के अंदर किसी भी पढ़े लिखे नेता का बच्चा पत्थर नहीं मार रहा था, बस्ते में गरीब बच्चों के पत्थर थे, उनको नशा करा कर पत्थर मार रहे थे। और एक बात और मेरी ध्यान से सुनिए, कारवां आया गंगा के, थका हुआ कारवां गंगा के तट पे पानी पिया लेट गया, गुनगुनी धूप में उसको अपनी माँ की गोद याद आई, बादरे वतन याद आया, उसने कहा मम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, यही है वंदे मातरम, यही है। मैं ईरान में रहे हैं, वहाँ पे मादरे वतन कहते हैं, तुम लोग जहर घोलते हो। आप ईरान में रहिए कब तक? 14 साल रही हूँ। 14 साल, अच्छा। माँ तुझे सलाम में दिक्कत नहीं, मादरे वतन कहने में दिक्कत नहीं, कोई कह दे भारत माता की जय कहिए तो दिक्कत, ठीक है। आनंद जुनेदारी साहब मुझे बताइए जरा जी, ये छोटे छोटे बच्चों का जिक्र माता जी कर रही, ये कौन सी मानसिकता है? और मेरे हाथ में सर लिस्ट है पिछले सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीनों की, जो कि अलग अलग, क्योंकि हिंदू के त्यौहार चल रहे हैं, अलग अलग जगह पर कहीं रामनवमी है, कहीं शोभा यात्रा है, कहीं गणेश पंडाल है, कहीं दुर्गा जी की पूजा हो रही है, कहीं को जुलूस निकाला जा रहा है, हर जगह पर पत्थरबाजी आ रही है, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हर जगह पर। मजे की बात यह है कि हर साल इतने दिनों से वही पत्थर उनके पास होते हैं और वही पत्थर मारते हैं, पत्थरों की मजे की बात यह है। और सरकार पत्थर देकर पहचाने कौन से साल, हाँ, सुने बता रहा हूं, हाँ, पूरी बात सुन ले, हाँ, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर साल का वो मुजरिम जो पत्थर मारता है, अगले साल फिर वो आजाद होता है कि पत्थर मांगे। ये कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है जो पत्थर मारने वालों को जेल तक नहीं पहुंचा पाती? ये वो गवर्नमेंट है, ये वो गवर्नमेंट है जो मुजरिमों को, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मुझे बात कंप्लीट कर लेने दे, हाँ। ये वो गवर्नमेंट है जो मुजरिमों को सजा नहीं देती। मैं बताता हूँ सर, फ्रिज में जाकर के तो उन किस चीज का गोश्त रखा हुआ होता है और कत्ल कर दिया जाता है अखलाक का, और के मुजरिमों को सजा नहीं दी जाती है, टुकड़े हो जाते हैं उसका, क्या केस बानों को मुजरिमों को फूल और माला पहनाई जाती है, सजा नहीं दी जाती, जो लोग प्रोत्साहन करते हैं वही पत्थर मारने को भी प्रोत्साहन करते हैं। पत्थर मारने वाले मुसलमान नहीं, मदरसे वाले वो लोग मुजरिम हैं, उन्हें सजा दीजिए। पत्थर मारो करने वाले और ये लोग जो फूल माला पहनाए हैं, क्या हिंदू हैं? क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? पत्थर मारो सिखाया जा रहा है, ये सवाल कहां जाता है? अब सुनिए ना सर जी, बताइए आपकी बातें में सुनिए, हैदराबाद ब्लास्ट के आरोपी कौन है? कौन है बताएं, बताएं ना, मैं तो पूछ रहा हूँ उसे, हम हिंदू और मुसलमान करके मुजरिम को आप मुजरिम समझते हैं? हम मुजरिम कहते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं कहते। आप नहीं कह रहे, एक जमीयत है जो कि अपने आप को इस्लामिक इस्लाम का ठेकेदार कहती है, डॉक्यूमेंट दूंगा देखिएगा डॉक्यूमेंट, जैसे आपको ये नहीं पता कि मुगलों ने क्या अत्याचार किया सर, आपको ये भी ना पता मुझे कोई आश्चर्य नहीं, जैसे आपको ये नहीं पता कि मुगलों ने भारत में क्या किया, आपको ये भी ना पता मुझे कोई आश्चर्य नहीं, मैं डिबेट वापस ले रहा हूँ सर, मैं प्रोफेसर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा शांत रहिए। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए कोई ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, लेकिन लोग जो मुजरिम है वो मुजरिम, बिल्कुल, ये बातें रहनुमाओं को समझ में क्यों नहीं आती?
ये सवाल है ना, ये तो ये बातें जो लोग फतवे जारी कर देते हैं कि लड़की छोटे कपड़े पहन रही है कि बड़े कपड़े पहन रही है, उन मौलाओं को समझ में क्यों नहीं आती है कि ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ, ऐसी जहरीली तकरीर देने वालों के खिलाफ हम फतवा जारी करें, धर्म से बाहर निकाल के फेंके? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसे ही लोगों के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं कि जो समाज के अमन को बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके खिलाफ फतवा है, लेकिन इस फतवे को उजागर करके और समाज में नाफिज करने का काम गवर्नमेंट का है। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि पूरी तरह से इस्लाम ये कहता है कि जो अराजकता फैलाए, जो अमन को खत्म करे, उसको सजा दी जाए। मैं आपको एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, तीन नाम गिना रहा हूं सर, उनके खिलाफ फतवा आया हो तो बताइएगा। जाकिर नाइक जो कहता है कि पूरी दुनिया में बाकी लोग काफिर है, उसके बयान आप उससे वाकिफ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, भारत नहीं मानते हम जाकिर। आप पूरी बात कर रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी कोर्ट से भले ही बारी मिले, जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे हम कौन है, वो भी फतवा मिला हमारा। और बात अकबरुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं योगी मोदी नहीं रहेंगे तो मैं कौन बचाएगा, फतवा मिला? अब आप सुन लीजिए जी, नहीं माफ कीजिएगा, अब आपको मैं बता दूं, जहां तक जाकिर नायक का ताल्लुक है, जाकिर नायक के ऊपर जो गवर्नमेंट ने इल्जाम लगा रखा है, माफ कीजिएगा, वो काफिर होने का और गैर काफिर होने का नहीं लगा रखा है। ये बिल्कुल कानून जो भी सजा जिसको देना चाहे उसको सजा दे सकती है, उसके ऊपर कुछ और है। और रह गई बात काफिर के साथ नहीं काफिर होने का, कानून ने क्या काम किया, मैं ये नहीं कह रहा, देश ने भगोड़ा घोषित किया है, मैं कह रहा हूँ धर्माचार्य ने क्या काम किया उसके खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करता है। जाकिर नायक इस्लाम को बदनाम करता है कि नहीं करता है सर? भाई देखिए, जो चीज जहां पर वो गलती करेगा सर, वो किसी को, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं, इस्लाम की आभा को बढ़ाती है, मैं आपको बता दे रहा हूं एक चीज, किसी को काफिर कहना ये अपने आप में जुर्म नहीं होता है। ये आप अगर चाहें तो इस पर आप डिबेट शुरू कर लीजिए, इसी पर बात कर लेते हैं। काफिर का मतलब नास्तिक के हुआ करते हैं, यानी जिस बिलीफ को हम मानते हैं सामने वाला उस बिलीफ को नहीं मानता है। और जाहिर सी बात, हम किसी के लिए काफिर हो सकते हैं, कोई हमारे लिए काफिर हो सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी को कह दिया जाए तो अपने आप को, हमें बहुत से लोग काफिर कहेंगे और कहते हैं, हमने तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, शब्दों का फर्क होता है। आप लोग कहते हैं हिंदू ने कभी नहीं कहा, बताइए शब्दों का फर्क होता है। कभी नहीं कहा हिंदू ने कभी किसी को काफिर नहीं कहा। एक नहीं, अब आपको मैं बता दे रहा हूं, कभी नहीं कहा, हम सबका सम्मान करते हैं। भाई काफिर तो अरबी जबान का शब्द है ना, उस जबान के जो मानने वाले हैं वो शब्द यूज करेंगे। नहीं, आप तो ये कहते हो काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसका सर कर्म कर दो। आपकी किताब कहती है, दूसरी बात आपकी किताब कहती है जो काफिर उसका सर कर्म कर दो, हम तो नहीं कहते, सही कहते सर्वे बंद सुखना सर्वे संतन। जहां पर वो कुछ बातें, जो बातें हमें आप बात बताएंगे उस पर हम जाकिर ना कह रहे हैं, किसी महिला को अगर 20 मिनट आप देखते हो आपके शरीर में कुछ हलचल ना हो तो आप मेडिकली अनफिट हैं। इससे घटिया कोई बात नहीं, इससे घटिया बात और क्या हो रही है? क्यों नहीं फतवा जारी होता? अरे मानते हैं आपको मुस्लिम, एक सेकंड माना साहब, एक सेकंड माना साहब, मैं बड़ी कार्रवाई की कौन फतवा जारी करेगा? आप डिबेट को डिबेट कौन फतवा जारी करेगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं गलत है, मैं ही तो है, और जो कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं वो फतवा जारी करेगा? ये कहां पर कहा है ये बताइए, मुर्दा के छोटे कपड़े पहनने पर, शरीफ कोर्ट में जाने पर किसने फतवा जारी किया? किसने किया था? किसने किया? मैं नहीं जानता हूं, नहीं आप बताएंगे ना, बड़ा कीजिए सर। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं ऐसे सही व्यक्ति से हमारे नहीं करता, जब अपने बातें आए तो आप देखिए, इस्लाम जरूर कपड़ों की कुछ सीमा बताता है किस तरह का कपड़ा मैं पहना तो जाए। ने क्या कहा था, मैं बता रहा हूं आपके लिए, जाकिर नायक ने जो कहा मैंने आपको कोट किया, आपने कहा कोट किया, मैंने कोट किया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई व्यक्ति किसी के भी कपड़े के ऊपर डिबेट सर आज का मेरी ये नहीं है, अब सनातन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। मैं वापस अपने मुद्दे में लौट आता हूं, एक वाजपेयी साहब मुझे बताइए सर, आप लाइन से हम लोग देख रहे हैं सर, 16 सितंबर खेड़ा गुजरात में शोभायात्रा पर पथराव होता है, 9 लोग घायल होते हैं। 9 सितंबर सूरत में गुजरात में गणेश पंडाल पर पथराव होता है, लोग घायल होते हैं। 19 जुलाई को बुलढाणा में जुलूस पर पथराव होता है, 10 लोग घायल होते हैं। 17 जुलाई को मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल में पथराव होता है, दुर्गा की मूर्ति तोड़ी जाती है। 30 जुलाई को दिल्ली में पुलिस पर पथराव किया जाता है। 17 जुलाई को मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभायात्रा पर पथराव होता है। जुलाई के अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों पर पथराव होता है। मुरादाबाद के अंदर 12 वफात का जुलूस निकलता है, जुलूस खत्म होता है तो वहां मौजूद शनि मंदिर टूटा हो पाया जाता है। अब मुझे बताइए सर, किसको धर्म के नाम पर बांटें, इसको मानसिकता के नाम पर बांटें, इसको किस नाम से देखा जाए? जवाब अभी दिया प्रोफेसर साहब ने, और प्रोफेसर साहब ने पूरी तरीके से डिफेंड किया उन लोगों को जो पत्थर मारते हैं, किया नहीं किया आपने? आपने एक बार नहीं कहा कि हम कौम से अपील करते हैं कि कृपया पत्थरबाजी ना करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पत्थर फेंकने का इल्जाम है, मैं बार बार कहता हूँ ये पत्थर फेंकने का इल्जाम है। दिक्कत यही है,
कश्मीर में किया गया आप उदाहरण देते हैं, बचाव करने लग गए। मैं कहता हूं अपील नहीं की आपने, हिंदू मुसलमानों को ये काफी हमने कहा जो भी करता है वो किसी के जो उन्होंने कहा अगर किसी समाज को खिलाफ करता है वो गलत है। क्यों नहीं गलत बात को गलत बात कहेंगे, क्यों नहीं सही बात को सही कहते हैं कि किसी को आप क्यों नहीं करने देते हैं गलत है। देखिए बिल्कुल पत्थर फेंकने वालों के सिर्फ हम खिलाफ नहीं है, हम सख्त सजा देने के सजा से नहीं चलेगा, नहीं सजा से नहीं होगा। आपको अपील करनी पड़ेगी, आपको समाज को समझाना पड़ेगा। आपकी चर्चाएं देखिए सब लोगों ने सुनी है, आप लोगों की चर्चाएं लोगों ने सुनी है। राममोहन शर्मा के बाद में चलता हूँ, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, बच्चे तो सबके घर में, कोई भी कह सकता है कि छू दौड़ लगा दीजिए भाई, सबके कर लेते हैं। मैं तो कह तो रहा हूं कोई भी दौड़ा सकता है बच्चों को, कह तो रहा हूं कि भाई, लेकिन समस्या तो यह है कि कौन अपने बच्चों को आगे कर देता है। मैं कौन ऐसा माँ बाप है जो ये नहीं चाहता कि भाई वो जाएगा तो कल के दिन जेल में जाएगा, उसका हाथ पकड़ के घर में बैठा ले, बच्चा भी पत्थर मार रहा है पीछे बाप भी पत्थर मार रहा है। ये मेरी बात आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, गलत कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पत्थर मारे गए क्यों गलत कर रहे हैं, इल्जाम ज्यादा है, ये क्यों गलत, सच ज्यादा है झूठ ज्यादा है, क्या झूठ ज्यादा, ये सच कम है झूठ ज्यादा है। गणेश पंडाल पत्थर पड़ेगा, मुसलमान तो खुद बचने की कोशिश कर रहा है जी 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 भैया, इस तरह की चीजों में ये बचने की कोशिश है साहब, मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूँ, अगर ये बचने की कोशिश है, सिर्फ 5 सेकंड लूंगा प्रोफेसर साहब, देखिए एक बात को बुरी बात समझिए, इस चर्चा में एक विचारधारा का विरोध है, इस चर्चा में एक मानसिकता का विरोध है, वो कट्टरपंथ की मानसिकता बिल्कुल है, इस चर्चा में किसी धर्म का विरोध करने का उद्देश्य हमारा अंश मात्र भी नहीं। तो इसी मैंने आपसे हर जो सवाल पूछा वो विचारधारा को लेकर पूछा सर, मैं जाकिर नायक की विचारधारा को लेकर पूछा, आपने सही जवाब मुझे दिया नहीं। मैं तो कह तो रहा हूँ कि जो भाई जो मुजरिम होगा, जो जुर्म करेगा, जिसकी जो बात गलत सहूलियत वाली भाषा है, सही हो सही हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विचारधारा की आपने बात की, ठीक है, आपने अभी दो जगहों की मैं मिसाल बहुत क्लियर दे रहा हूँ। मैं कश्मीर के हवाले से कह रहा हूं कि जिन लोगों ने वहां के ब्राह्मणों को हटाया उन्होंने जुर्म किया, और आज भी मैं कहता हूं हम चल करके हम भी चाहते हैं कि वहां जाकर के हम अपनी भी कुर्बानी देने को तैयार हैं कि जो लोग वहां के रहने वाले थे क्यों निकाला गया। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, मैंने जिस दिन ये खबर आई है उस दिन से मैं कह रहा हूं कि भारत के जो इस जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको भी भेजा जाए कि जाकर के वो बात करें। पब्लिक में बहुत से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं अपनी, एक छोटी सी बात, जब हम सुनते हैं छोटे छोटे बच्चे जो नहीं जानते कि क्या तनाव है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच का, जो नहीं जानते कि लेबनान और हिजबुल्ला क्या है, वो कहते हैं कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, ये कौन सिखाता है उनको, ये कौन सिखाता है उनको, हर घर से नसरल्ला निकलेगा, और आपका क्या लेना देना भाई, भाई यहां से नसरल्ला निकालने का क्या मतलब है, भारत से क्यों नसरल्ला निकलेगा, एक आतंकवादी संगठन का लीडर भारत से क्यों निकलेगा, देखिए मैं और कोई पीछे जा नहीं रहा उनके, देखिए कोई जाके कहे ना, मजम्मत करे कि ये बच्चे भटके हुए बच्चे हैं, इनको हम जाके समझाएंगे। आप या तो मेरी बात सुन लें, मैं इनकी बात सुनाना चाहता हूं, इसके बाद आपकी बात सुनूं, तो सुन लें जी जी, गलत नरेशन जी जी, जो बयान दिया था जो कटेंगे जो बटेंगे, तो मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कभी हिंदुओं ने कभी पथराव किया है, सब बार जहाँ भी गए मुसलमान करते हैं, आइए बता दें आपको, और हमें अस्सलाम वालेकुम कहने में दिक्कत नहीं है मौलाना साहब, आपको जय श्री राम कहने में क्या दिक्कत है, आपको आप जय श्री राम बोलिए मौलाना साहब, आप चाहते हो कि यहाँ बांग्लादेश वाला वो हो, इन्होंने जो सवाल किया है, नहीं केवल बात फ्लेक्सिबिलिटी की है, वो ये कह रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबल हैं, आप जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं हम कर देंगे, नहीं आप जैसा हम जैसा चाहते हैं उसमें आप पत्थर मारेंगे, मैं आपको एक चीज बता, उसमें आप पत्थर मारेंगे, नहीं ठीक है, कट्टरवाद जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है त्योहार, और यही कोशिश जी न्यूज पर इस शो के दौरान हमारी थी कि जो कट्टरपंथ की बुराई, जो हिंसा की बुराई,
जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की बुराई है उसका अंत होना चाहिए। और जो मूल बात हम मानते हैं कि भारतीय एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, उसी मंत्र पर आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए।